नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्वाट और पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। सदर कोतवाली क्षेत्र के दोस्ती नगर इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 45,000 का ईमानी धनराज लोद और अजय पटेल घायल हो गए। घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 तमंचा सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। इस मुठभेड़ में 1 सब इंस्पेक्टर सहित 2 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंतर्राज्यीय लुटेरे धनराज पर 30 से अधिक केस दर्ज हैं। आरोपी पर लखनऊ और रायबरेली में गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। धनराज मोरावा का रहने वाला है, जबकि अजय पटेल पूर्वा थाने का है। दोनों पर उन्नाव में 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, जबकि गुंडवा थाने में भी उनके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 अन्य बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। इनमें विजय कुमार कुशवाहा और देवेंद्र उर्फ देव लोज शामिल हैं। ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं। इन बदमाशों ने लूट की गई घटनाओं को अंजाम दिया था। नमाशों का सरगना धनराज लोट का लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर जनपद में 23 केस दर्ज हैं, जबकि उसके दूसरे साथी अजय पटेल पर 10 से 12 केस दर्ज हैं। मुठभेड़ में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।